कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा ने मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश किया, जहां हजारों लोगों की भीड़ ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान शहर से होते हुए राहुल गांधी ऐतिहासिक स्मारक और हैदराबाद के प्रतीक यानी चार मीनार पहुंचे और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले पार्टी नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ राहुल गांधी ने अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में सांप्रदायिक शांति और सद्भाव के लिए 19 अक्टूबर सन 1990 को तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई चार मीनार की सद्भावना यात्रा की स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हमने एक पोल रखा था, जिसमें हमने जनता से यह सवाल पूछा था कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। इस पोल में जनता ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पोल में 11,000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी राय भी दी और प्रतिक्रिया दी। 90% लोगों ने यह कहा है कि हां बीजेपी घबरा गई है, वही 10% ने इसमें हामी नहीं भरी है। 10% लोगों का यह कहना है कि नहीं बीजेपी नहीं घबराई है। वहीं इस पोल में लोगों ने कमेंट के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, कई कमेंट्स भी आए हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को तकरीबन 55 दिन से ज्यादा का समय हो चला है और इस यात्रा में कांग्रेस को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश किया, जहां हजारों लोगों की भीड़ ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस हर साल चार मीनार में सद्भावना यात्रा स्मृति दिवस आयोजित करती है और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करने वाली हस्तियों को पुरस्कार प्रदान भी करती है। राहुल गांधी जैसे ही लाड बाजार रोड से स्मारक पर पहुंचे, वहां कुछ क्षण रुककर भवन का नजारा देखने लगे और आगे बढ़ने से पहले इसकी सुंदरता को अपने कैमरे में भी कैद किया। जब राहुल गांधी अपने दिवंगत पिता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, तब सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी नेता के स्वागत के लिए चार मीनार के आसपास एकत्र हो गए और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो और राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगा रहे थे। इससे साफ तौर से पता चलता है कि किस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में जनसैलाब है और भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस ने शुरू करी है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को कामयाबी भी मिल रही है और दर्शकों की भी कहीं ना कहीं इस पे यही राय है। इस दौरान तेलंगाना इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष ए रेड्डी, वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव और अन्य नेता भी मौजूद रहे। चार मीनार में कार्यक्रम के बाद भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक पाथर गट्टी बाजार की ओर बढ़ गई, जहां स्वागत के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कुछ व्यस्त क्षेत्रों से गुजरने के बाद भारत जोड़ो यात्रा हुसैन सागर झील के किनारे नेकलेस रोड पर पहुंची, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को विभाजित करती है। यहां कांग्रेस सांसद नेकलेस रोड पर अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद एक बैठक को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के प्रभारी मणिकम टैगोर ने यह कहा है कि राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी श्रद्धांजलि देंगे, जिनकी समाधि नेकलेस रोड पर स्थित है। इससे पहले यात्रा मंगलवार सुबह हैदराबाद में दाखिल हुई, नारायण पेट और महबूब नगर और रेगा रेड्डी जिलों को कवर करने के बाद यात्रा तेलंगाना में अपनी यात्रा के 7वें दिन राज्य की राजधानी पहुंची। कांग्रेस सांसद पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद में स्थित मठ मंदिर में वॉकथॉन फिर से शुरू हुआ और बैंगलोर हैदराबाद राजमार्ग के माध्यम से शहर में प्रवेश किया। इस बीच यात्रा बहादुरपुरा में थोड़ी देर के लिए रुकी थी, जहां राहुल गांधी ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न समूहों से मुलाकात की, जिसके बाद यात्रा शाम 4 बजे फिर शुरू हुई और पूरन पुल, हुसैना आलम और तमाम जगहों से होते हुए चार मीनार पहुंची थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए हुए हैं। उन्होंने यात्रा मार्ग पर यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। राहुल गांधी का रात्रि विश्राम सिकंदराबाद के में गांधी विचारधारा केंद्र में ही होगा। यह यात्रा तेलंगाना में 7 नवंबर तक चलेगी और 4 नवंबर को एक दिन का ब्रेक होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राज्य के 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों में कुल
375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कुल मिलाकर जिस तरह से 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी है और जिस तरह समय बीतता जा रहा है, 55 से ज्यादा का समय हो चला है और धीरे धीरे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती जा रही है। और जिस तरह से हमने सवाल किया था कि क्या बीजेपी घबरा गई है, और इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है कि हाँ, बीजेपी कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।